एक बंदे की सारी भूख मिट जाएगी इससे। और ये 2 यूरो 90 सेंट्स का है और यहाँ पे आप खरीद सकते हो इसको आके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज मैं आया हूँ ज़क्सनहैंड की कैपिटल सिटी मैग्डेबुर्ग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड इतना बहुत सारी चीजें हैं जैसे वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे सिनेमैक्स है, वहाँ पे आप मूवीज देख सकते हो। सो गाइस चलिए आपको घुमाता हूँ मैं मैग्डेबुर्ग। सो गाइस यहाँ पे मैं सबसे बड़े मॉल में आया हूँ मैग्डेबुर्ग के, इसका नाम है आले सेंटर। चलो आपको घुमाता हूँ एंड आपको मॉल के साथ ये वाले इसके साथ में आपको सिटी भी घुमाऊंगा क्योंकि मुझे मॉल्स में अलग अलग ब्रांड पसंद है और आई लव शॉपिंग। तो गाइस आप यहाँ पे ब्रांड्स का टूर कर लो और मैं वीडियो में आपको दिखाते रहूंगा और शॉपिंग भी करेंगे। सो गाइस इस जगह बहुत महंगे महंगे ब्रांड है लाइक। एंड गाइस मेरे पापा इधर ही जॉब करते हैं तो अभी मॉल में आ रहे होंगे क्योंकि वो थोड़ा दूर जॉब करते हैं, यहाँ पे डेल में जॉब करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है। सो अभी मैं आया हूँ मैग्डेबुर्ग के सिटी गैलेरिया में, ये बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इंडियन फूड मिल जाता है और आओ मैं आपको दिखाता हूँ। सो इधर वियतनामी फूड है, देखो गाइस यहाँ पे बॉम्बे मोटरसाइकिल लिखी हुई है एंड इधर आके हम देखते हैं यहाँ पे वियतनामी शॉप है। यहाँ पे अगर आप जर्मनी आओ तो वियतनामी फूड शॉप से जरूर खाना। सो गाइस मैंने एक वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है और वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। एंड अभी हम आए हैं पिज्जा की शॉप पे, ये है इटालियन शॉप है ये और यहाँ का पिज्जा बहुत फेमस है। जर्मन आपका बहुत खाने का मन कर जाएगा। यार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सा फ्रूट है तो इसको ब्लू बेरन कहते हैं जर्मन में और ये सब है फ्रूट और ये सी फ्रूट है, ये सी में उगता है। देख सकते हो आप फ्रेश सलाद है ये, तो अगर आप आके खा भी सकते हो इसको। तो गाइस आप इधर देख सकते हो ये जर्मन कबाब है तो यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे और इनको ब्रैटवुर्स्ट बोलते हैं और यहाँ पे इनको जर्मन लैंग्वेज में वर्स्टचेन। आप देख सकते हो ये इनर सिटी है और यहाँ पे सारी ट्राम्स ऐसे चलती हैं और
और अगर आप मैग्डीबुर्ग आओ आपको प्यार हो जाएगा इस सिटी से, क्योंकि बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपको एक फीचर दिखाता हूँ, अगर आपको ये दबाना है तो वहाँ पे ग्रीन लाइट पे सिग्नल आ जाएगा, सॉरी ग्रीन लाइट में वहाँ पे सिग्नल आ जाएगा कि कोई किसी को जाना है, तो उसके बाद फिर आप जा सकते हो, जैसे ग्रीन हो रोड क्रॉस कर सकते हो। जब वो ग्रीन हो जाएगी, वो रेड है तो आप नहीं चल सकते। और यहाँ पे एक आवाज़ है जैसे आपको सुनाई दे रही होगी, ये ब्लाइंड्स के लिए है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनको लाइट है या फिर ग्रीन लाइट है। यहाँ पे आप घूम सकते हो, ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा एरिया है, बढ़िया एरिया है, और आप शाम को आ सकते हो इधर। सो बहुत अच्छी जगह है ये फैमिली के लिए, बहुत शांति है यहाँ पर, और मुझे तो शांति वाले एरिया में रहना पसंद है। मेरे पापा जॉब से आ गए हैं मॉल में, और अब हम मस्ती करेंगे, और एंड में जो मैंने सरप्राइज कहा था वो भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं आले सेंटर मैग्डीबुर्ग में सबसे बढ़िया जगह लगी वो है इंडियन फूड। सो जो मैंने कहा था जो सरप्राइज है वो अभी यहीं पे है। सो अभी आप इधर देख सकते हो, हमने पकौड़ा ऑर्डर करा है। आओ, पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, उसके साथ सॉस है, और हमने अभी मैंगो लस्सी पी थी। सो गाइस, अभी जो ऑनर है इसकी आपसे बात करवाता हूँ। अभी वो किचन में है, तो अभी तो नहीं बात कर सकते, तो तब तक पकौड़े के साथ मजे करते हैं। सर, मैं फिश पकौड़ा ट्राई कर रहा हूँ और वेरी टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, हमने मेन मील ऑर्डर कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने चिकन करी विद राइस ऑर्डर करा है, बहुत टेस्टी है, और मेरे मॉम एंड डैड ने दाल के साथ चावल ऑर्डर करे। गाइस, हमने खाना तो आपको दिखा दिया, ये ही ऑनर। सो ये हमारे साथ बैठ के खा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ की स्पेशलिटी कौन सी, अगर इंडिया से यहाँ पे लोग आए तो क्या खाएं यहाँ पे आके? चिकन करी, दाल मखनी, पालक पनीर, पनीर टिक्का मसाला, कुछ भी खाएं, पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन, सब फेमस है हमारा। ड्रिंक्स में मैंगो लस्सी है फेमस, सबसे अच्छी। अच्छा, इवन आप लोग देख सकते हो कि हमने खाना ऑर्डर किया है और ऑनर हमारे साथ खुद बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है हम सबके लिए। इवन हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो जब भी आप, मैं अपने बेटे की तरफ से बोल रही हूँ, जब भी आप जर्मनी आए तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर ये जो शॉप है इंडियन फूड्स के नाम से, तो डेफिनेटिव यहाँ पर आए। स्वयं आपका कुछ मैसेज? मेरा ये है कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। ये थ्री स्टोरी शॉप मॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे खाने का, शॉपिंग करने का सब कुछ है। अभी आपको फाउंटेन
नाइट इन शो दिखाता हूँ, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, एंड चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।